तो आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत है हमारे सफल किसान चैनल पर। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं शुगर फ्री आलू, जिसको बोलते हैं ब्लैक पोटैटो। आप देख सकते हैं किस प्रकार की खेती हो रही है। आप देख सकते हैं कितनी कूली इसकी मोटी बनाई जाती है। डबल बुआई की गई है इसकी, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसकी देख लीजिए, एक इधर की कूली बनी हुई है, ये इधर की बुआई हुई है, एक साइड में इधर की बुआई की गई है। बीच का इसका सिरा खाली हुआ है, जिससे आलू बैठने में आराम रहता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार की कूली बनाई गई है, कितनी मोटी कूली हुई है, और ये मार्च महीने में खुदेगा ये आलू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कूली में इतना ही पानी चढ़ाया जाता है, कूली के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है। इतना ही पानी चढ़ाएं जिससे कूली ऊपर की मिट्टी जो भुरभुरी बनी रहे, और ये नीचे की माटी में पानी जाना चाहिए बस केवल। किसान भाइयों, अगर आपको आलू की सबसे उन्नतशील फसल लेना है तो कुछ इस प्रकार है। आप समझ लीजिए कैसे आलू को बोएंगे तो सबसे ज़्यादा उपज लेंगे। जैसा कि ये ब्लैक आलू है, काला आलू है, इसमें आयरन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। ये शुगर फ्री बोला जाता है, इसे शुगर पेशेंट इसको बड़े आराम से खा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। शुगर फ्री आलू के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये जो औरतें होती हैं, उनको आयरन की जिनकी कमी ज़्यादा हो जाती है, ये कोई भी है, उनको भी ये बहुत ही पौष्टिक रहता है, आयरन की कमी को पूरा करता है ये ब्लैक आलू। इसको किस प्रकार से बोते हैं, इसकी विधि हम इस वीडियो के माध्यम से सारी बताने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको खेती संबंधित अच्छी अच्छी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो आओ बात करते हैं किस प्रकार से आलू बोते हैं। अगर हम आलू बोते हैं तो सब सर्वप्रथम उसमें, जैसे अगर एक एकड़ खेत है तो आपका कम से कम 5 से 6 टाली उसमें गोबर खाद पड़ी होनी चाहिए सड़ी वाली। उसके बाद आप कम से कम 3 से 4 बांक रोटा कल्टीमीटर की सहायता से उसकी जुताई करा दें। जुताई कराने के बाद उसमें 4 kg DAP प्रति बिसुआ के रेंज से फेंक दें। उसके बाद 1 kg प्रति बिसुआ के हिसाब से उसमें पोटास फेंक दें। पोटास फेंकने के बाद आप, कुछ लोग फास्फोरस भी लगाते हैं, फास्फोरस नहीं लगाना है, तो आप केवल पोटास ही और डाया ही बो दें। उसके बाद आप उसमें 2 से 3 बार रोटावेटर की सहायता से खेत की जुताई कर दें। उसके बाद जुताई करने के बाद जब खेत पूरा बराबर हो जाए तो उसमें एक बार पाटा लगा दें। पाटा लगाने के बाद उसमें अगर आप मशीन से आलू बुआ रहे हो दोस्तों, तो मशीन से बुआने में 1 एकड़ में कितने कुंटल बीज लगेगा, इसकी सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो अगर मशीन से आप बुआओगे तो उसमें 16 कुंटल बुआई में आलू लग जाएगा, 16 कुंटल बीज लगेगा इसमें मशीन से बोने में। बोने के बाद अगर बुआई आपकी हो गई तो बुआने से बाद कम से कम 20 से 25 दिनों बाद जब आपका आलू तैयार हो जाएगा, जब तैयार हो जाएगा आलू मतलब कि निराने के लिए, तो उसमें आप खुरपी के माध्यम से पूरा खर निकाल लीजिए और खेत को निरा दीजिए। उसके बाद उसमें DAP पोटास और ये यूरिया 1 kg बिसुआ के हिसाब से लगा दीजिए, उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद उसमें अगर हाथ से कूली करोगे किसान भाइयों, तो उसमें हाथ से कूली भी कर सकते हो, अगर उसमें मशीन से करवाया है तो उसकी पथाई कर सकते हो। उसमें ये जो मटेरियल मैंने बताया है, मटेरियल डाल के उसकी पथाई कर सकते हो। पथाई करने के बाद उसमें सींचना है, किस प्रकार से सींचना है उसकी सारी विधि आप जान लीजिए, किस प्रकार से इसमें सिंचाई करना है। सिंचाई जैसे हमको ऊपर से 3 इंच छोड़ के करना है, जिससे कूलियों में पानी न जाए और आसानी से वो बैठने में आलू आराम रहे। जब ऊपर से पानी नहीं जाएगा तो मिट्टी को भुरभुरा बना के रखेगा और बैठने में आलू कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि आपको हम ये बताने जा रहे हैं दोस्तों कि इसमें, जैसे अगर आपको पाला की शिकायत आती है तो इसमें पाला की दवा टाइम से डाल दें। पाला की दवा तो हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार की दवा होती है, लेकिन ये एरिया वाइज अलग अलग होती है। जैसा कि आपको बता दें, अगर आपका आलू जड़ से उगड़ रहा है, पीला होके सूख रहा है, तो उसमें फंगस नामक की बीमारी लग जाती है, वो जड़ से लगा के वो तने तक को खा जाती है। तो उसमें टाइम रहते उसकी जाके वहाँ पेस्टिसाइड से ला के दवा उसमें डाल दें, ताकि वो आपकी फसल मरने से बच जाए। किसान भाइयों, ये 90 से 100 दिनों में पक के रेडी हो जाता है ये फसल, ये 90 से 100 दिनों में पक के रेडी हो जाता है। अगर हम आपको बात करें कौन कौन से प्रदेश में सबसे ज़्यादा उपज वाले प्रदेश हैं, जहाँ पे आलू ज़्यादा उपजता है, तो उनके कुछ प्रदेशों के इस प्रकार नाम हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, पंजाब, आसाम व मध्य प्रदेश जैसे इसमें प्रदेश शामिल हैं। और सबसे ज़्यादा उपज वाले
सबसे ज़्यादा उपज वाला कौन सा प्रदेश है, तो वो सबसे प्रथम पे उत्तर प्रदेश ही आता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आलू बोया जाता है और सबसे ज़्यादा उपज होता है। किसान भाइयों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारी एक नई जानकारी के साथ जुड़ सकें। थैंक यू सो मच किसान भाइयों।